तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आ गए मैं एक और नई वीडियो में और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं हिटमैन को, जिसमें कि आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने इसका चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था और वो भी टफ था, बट हमने कंप्लीट उसको कर लिया था। तो आज हम खेलेंगे वैसे चैप्टर 3 और देखते हैं कि उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भाई लास्ट टाइम ही चैप्टर 3 अनलॉक हो गया था और हमने इसको नहीं खेला था। तो 1 लेवल से 15 लेवल होती है इसमें, तो पूरी कंप्लीट करेंगे और देखते कि हमको कितना ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा और कितना ज़्यादा ये डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसमें एक देख सकते हो आप, एक बैकग्राउंड में प्लेन खड़ा है, क्योंकि एक फ़ाइटर प्लेन है, मतलब फ़ाइटर तो नहीं है भाई पर अच्छा खासा प्लेन है। और हमको प्लेन से मतलब नहीं है, हमें तो अपना गेम कंप्लीट करने से मतलब है। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और घास में तो खैर मैं छुप चुका हूँ, जैसे कि मुझे देख ना पाए, मैं निकल चुका हूँ घास से भी। बट भाई मैं काफ़ी ज़्यादा आराम आराम से चल रहा हूँ और मुझे इसको ठोकना है। गया भाई तू तो, चल फिनिश। एक को मैंने यहाँ पर निपटा दिया और यहाँ पर भाई एक नई चीज़ मुझे देखने को मिल रही, जो कि गन टाइप का है। चलते देखते इस गन से क्या होगा। ओके, इस गन से मैं एक को ठोंक सकता हूँ। ओके, मैंने एक को मार दिया इस गन की मदद से, गन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और चलो बस अब मैं फिर से पौधे में छुपूंगा। भाई एक सेकेंड, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है बट मुझे तो ये नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं पौधे में रहूँगा। बट इसके आगे वाला देख लेगा तो मुझे पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से अपना काम हो चुका है, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ इस लेवल को। तो यहाँ पे गाइज अपनी फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुकी है, अभी बारी है सेकंड वाले लेवल की। 2 स्टार हमको मिले और 2 ही मिलने थे, क्योंकि मैंने सूटकेस नहीं लिया था। सूटकेस भी ले लेता फिर भी 2 ही मिलते, पता नहीं क्या सीन है। बट सूटकेस लो या नहीं लो, अपने को 2 ही स्टार मिलते, कभी कभी 3 मिल जाते हैं बस। तो ठीक है, मुझे अभी लेवल कम्प्लीट करनी कैसे, इधर तो कुछ रास्ता नहीं दिखा रहा, बट वहाँ पर एक बंदूक है तो मैं बंदूक का यूज़ कर सकता हूँ और शायद इस सिक्योरिटी वाले को मैं मार भी सकता हूँ इस बंदूक से। बट अभी गाइस हमको यहाँ से इस पार को निकलना है। चलो पार फिर से देख रहा है मुझे कैसे करे। ओके, अभी काम बन चुका है और अभी ये गया है। चलो भाई, तो मैं इसको तो नहीं मार सकता था बट मैंने आगे किसी को मार दिया। देख सकते हो हम जिसको मार सकते हैं ना, वहाँ पर निशान बता सकता है कि आप इस आदमी को मार सकते हो। तो ठीक है, मैंने उसको निपटा दिया, मैं इधर से निकल चुका हूँ अभी। पर यहाँ पर झाड़ है तो मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। तो अभी तो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इजी आ रही हैं, बट आगे डिफ़िकल्ट होती जाएगी, क्या आपको बताया कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट मुझे ना ये चेस जैसे ही लगता है, इसको खेलता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब कोई अलग गेम खेल रहा हूँ, लगता है चेस ही खेल रहा हूँ। तो कंप्लीट सेकेंड लेवल अपनी, थर्ड वाले चैप्टर की सेकेंड लेवल थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अभी बारी है थर्ड वाली लेवल की, इसमें भी 2 स्टार अपने को मिल गए हैं। अब पता नहीं कितने मैप तक हम पहुँच पाएंगे और कितने मैप्स को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा स्टार लेंगे तभी आगे के मैप्स ओपन होंगे। बट देखते कितने मैप्स अपने ओपन होते हैं। तो ये है इसकी थर्ड लेवल। ठीक है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड लगा है, खड़े रहने देते हैं इसको, अपने को आगे चलना है तो अपन आगे चलते हैं। मुझे यहाँ पे मेरी लेवल क्रॉस होगी, यहाँ पे कुछ तो रखा है, ये शायद मुझे बंदूक ही लग रही है, बट नहीं शायद कहेंगे की हो सकती है ये, लेवल चल के देखेंगे क्या है ये। बट यहाँ से ये जो सिक्योरिटी है ये हट जाए, ऑलराइट अभी तो हट चुकी है, अभी चलते हैं। ओके, अच्छा मुझे उधर जाना है और वहाँ पे काफ़ी सारे गन्स थे जिसकी मदद से मैं इनको उड़ा सकता हूँ। तो ये मैप ना फुल नहीं दिखता है, पता नहीं क्यों, फुल दिखे ना तो काफ़ी सारे मेरे को पता रहेगा कि कहाँ पे बंदूक वगैरह। एक तो गया अभी, चल भाई उड़ गया, मैंने मेन को उड़ा दिया जो वहाँ पर खड़ा था। अभी इसकी बारी है, चल भाई तू भी ख़त्म। अभी यहाँ पे ना सिर्फ एक सिक्योरिटी वाला लास्ट बचा है, तो जो कि अपना कुछ नहीं कर सकता, अपने को नॉर्मल चलना है और कंप्लीट कर देना है इस लेवल को। क्योंकि तो 2 जो मेन थे ना, उनको तो मैंने अपनी गन से काफ़ी ईजिली मार दिया और अब मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो मैं काफ़ी ईजिली कम्प्लीट कर लूँगा इसको। ये थी इसके थर्ड लेवल, बड़े गन काफ़ी सही सीन है गन, क्योंकि हम गाइस किसी को भी गन से मार सकते हैं और गन को मारने की वजह से ना काफ़ी इजी हो गया अभी इस गेम को खेलना। मतलब धीरे धीरे अपने को कोई नए नए फीचर, हर मैप में नए नए फीचर देखने को मिलते हैं। पहले हम ऐसे ठोक के मार सकते थे नॉर्मल, इसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट कर दे सकते थे, उसके बाद अपने को क्लॉथ चेंजिंग का मतलब फीचर आया था सेकेंड वाले मैप में, जिसमें अपन कपड़े वगैरह चेंज कर सकते थे, और इसमें आ चुका है जिसमें हम गन से किसी को भी मार सकते हैं। तो काफ़ी सही हो चुका है अभी। तो देखो ऐसे मैं मैप को रोटेट भी कर सकता हूँ, बट उसमें मुझे उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं लगता है कि यार मैप को रोटेट करने से कुछ फ़ायदा होता है। और इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, पर बड़े करके खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। देखो अभी मैंने फिर से बड़ा कर लिया है, क्योंकि छोटे में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे लगते हैं जो भी ये कैरेक्टर वगैरह हैं।
ठीक है, एक को तो मैं यहाँ पे उड़ा सकता हूँ, दो को मतलब, फिनिश दो को उड़ा दिया है, आगे भी दो को मार सकता हूँ। फिनिश यहाँ पे की है, इसे रेड डोर ओपन हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अभी सामने तक सिक्योरिटी है तो मुझे इससे बच के निकलना पड़ेगा। ओके, अरे यार अब मैं किधर जाऊँ। ठीक है, काफ़ी सही है, क्योंकि यार एकदम से दोनों आगे आ गए थे ना, तो मुझे पीछे ही जाना पड़ा, बट यहाँ पर मेरा काम हो जाने वाला है आगे चल के। दो सिक्योरिटी फिनिश और अपनी लेवल कंप्लीट। देखो मैंने ब्रीफ केस ले लिया है, पर देखते हैं कि मुझे 3 स्टार मिलते कि नहीं मिलते। देखो 3 स्टार नहीं मिले, मुझे पता था गाइस कि ब्रीफ केस लेने से भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता, उसमें कुछ टर्न करके लिखा है, मतलब मैं मुझे उतनी टर्न से ना पहले पहले लेवल को कंप्लीट करना है, और उतनी टर्न से पहले पहले अगर मैं ब्रीफ केस लेके लेवल को कंप्लीट करता हूँ तो हम जीत पाएंगे, तो वैसे हम वो कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए अपने को 2 स्टार मिलते हैं। अभी बारी है इस वाली लेवल की, इसमें काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्ट करने के हैं, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी को। देखो ये हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट और मैं पहुँच जाऊँगा उस पार। चल भाई तू हो जा डिस्ट्रैक्ट, और मुझे अभी गाइस टेलीपोर्ट होना है उस तरफ, तो ठीक है मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। मुझे मारना भी पड़ेगा, यहाँ पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी है। ख़त्म भाई, पत्थर भी मिल चुका है मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। दो सिक्योरिटी वाले एक साथ मुझे लग रहा है डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। बस हो गया अपना काम, लेवल कंप्लीट। चलो ये लॉल एनिमी, अच्छा सब एनिमी को मारेंगे फिर 3 स्टार मिलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है कि इसमें गाइस पहले अपने को पता नहीं होता है कि क्या करना है, वरना अपन कर सकते हैं वो चीज़, तो ये चीज़ होती है। अब ये बारी है 6 वाली लेवल की, और इसमें भी काफ़ी सारा मतलब हर जगह डिस्ट्रैक्ट करने का, तो डिस्ट्रैक्ट मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैंने मैप बड़ा कर लिया देखने के लिए कहाँ पे क्या चीज़ है, मुझे कंप्लीट कहाँ पे करना है, तो मुझे उस कोने में जाना है। ठीक है अभी डिस्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे किसी को। ओके, तो इसको मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ये अपना बढ़िया इधर आएगा चेक करने। चल हट, खत्म हो जा भाई। आगे तो मैं नहीं जा सकता हूँ अभी, क्योंकि आगे सिक्योरिटी खड़ी है, तो मुझे उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या उनको मारना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा अभी टफ हो चुका है गेम। हाँ इसको मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है फिर से, तो मैं इस तरफ को कर देता हूँ। हाँ जैसे कि इधर चेक करने है और मैं अपना बढ़िया आगे निकल जाऊँ, क्योंकि आगे स्टेचू वाला गार्ड है जो कि भाई मतलब घूम नहीं सकता, बस एक ही तरफ खड़ा है, तो इसको मैं मार सकता हूँ। ख़त्म, अभी एक लास्ट डिस्ट्रैक्ट करने का, जिससे मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करूँगा जो यहाँ पर खड़ा है। चल भाई अब तुम भी आ जाओ आगे, ये आगे आएंगे और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा इनको मार के। देखो डोर भी ओपन हो चुका है, अब तो समझ लो कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरा पूरा गेम कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे अब चलना है आगे और उड़ाना है उनको। चलो भाई काफ़ी सही हो चुका है अभी तो गेम, बस क्योंकि मुझे पता था वो इधर ही मुड़ेगा, और अब इन दोनों को मैं मार के लेवल हो जाने वाली है अपनी कंप्लीट। चलो फिनिश 6 वाली लेवल, कलेक्ट ब्रीफ केस, 2 स्टार मिलेंगे मुझे, तो उम्मीद ही नहीं रहती कि 3 स्टार भी मिलेंगे, एक बार भी नहीं मिला अभी तक 3 स्टार। तो एक बार ये 7 वाली लेवल की, काफ़ी ज़्यादा मतलब इजीली हम कंप्लीट कर लेने हैं, बस थोड़ा सोच समझ के खेलना है बस, उसके बाद गेम उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ी सी भाई एक चाल भी आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपकी लेवल फिनिश हो जाती है, आपको सिक्योरिटी आपको मार देती है, आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि कोई आपको देख तो नहीं रहा। तो अभी मैं ठोकूंगा एक को, चल ख़त्म हो जा। यहाँ पे शायद एक और बग्गन है, हाँ बट उस तरफ मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे डोर लगा हुआ है, इसको भी मार देता हूँ। चलो अब मैं यहाँ से गन ले सकता हूँ, और गन से मैं लास्ट सिक्योरिटी को भी मार दूँगा। अड़का मुझे यहाँ पे चाहिए ना की तो खैर अभी नहीं मिलने वाली है, पीछे भी गार्ड है आगे भी गार्ड है। चलो अभी ये गार्ड यहाँ से हट चुका है और अपना काम हो चुका है। जहाँ पे भाई अपना डोर ओपन हो चुका है, क्योंकि मैंने एक बार की ले ली थी, 3 जाएंगे एक साथ ही, 3 को मार दिया मैंने, 3 हाँ 3 ही थे। अब ये लास्ट गार्ड क्या ही कर पाएगा,
चल भाई, अपनी ये वाली लेवल भी गाइस हो चुकी है कंप्लीट, जो कि थी 7th वाली लेवल। एक तो स्टेचू वाला गार्ड है जिसकी कोई जरूरत नहीं, एक ही स्टार मिला सिर्फ, काफी ज्यादा कम है। तो ये बारी 8 वाली लेवल की, जिसमें शायद मुझे इस रेड कलर के बॉस को मारना है। तो बॉस वाली लेवल में ज़्यादा मज़ा आता है मारने में किसी को। ठीक है, यहाँ पे कॉल पे किसी से बात कर रहा है, नहीं शायद सिगरेट वगैरह पी रहा है क्या, पता नहीं क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है ये इसका लास्ट डे है, मर जाएगा बंदा। पर यहाँ पे सिक्योरिटी भी है गाइस, देख सकते हो आगे की तरफ ही देख रहा है वो। तो यहाँ पे एक अलग टाइप की गन है, इसी गन मुझे मिली, मैंने एक ही गन से मतलब तीनों को मार दिया। आगे भी ये उसी टाइप की गन है आगे भी, ये रही देखो। हट, मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी वो मैंने मार दिया इसको, समझो गाइस अभी मैंने निपटाना, अभी मैंने निपटा दिया यहाँ पे फाइनल बॉस को, कोई भी नहीं रोक सकता है मुझे। तीन स्टार गाइस, इतनी देर के बाद 3 स्टार मिले हैं, बट लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी थी 8 वाली लेवल, मतलब ऐसा लग रहा था ना इस बॉस को देख के कि मारना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, कभी मैंने काफ़ी ज़्यादा इजीली मार दिया इसको, थोड़ा सा भी टफ नहीं था। आप भी काफ़ी इजीली मार सकते हो क्योंकि उसमें एक नई टाइप की हमको गन देखने को मिली जो एक ही बार में तीन तीन को मार देती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को मार सकते, हम काफ़ी सारों को मार सकते। ये तो गया पहले, चल भाई निकल जाए यहाँ से। देखो चेस में जैसे हम किसी प्यादे को मारते ना उस टाइप का ये गेम है, मतलब चेस टाइप के मरते हैं इसमें लोग। तो यहाँ पे मैंने 2 को निपटा दिया है, अभी मुझे किधर जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक को आगे वाले को मार सकता हूँ बट फिर मुझे वो पुलिस पकड़ लेगी, अभी मैं मार सकता हूँ आगे वाले को, अभी कोई नहीं पकड़ेगा मुझे और अभी कोई मुझे देख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे वही वाली गन है जिससे मैं सबको मार सकता हूँ, देख। और ये लेवल कम्प्लीट, ओह मैंने सबको नहीं मारा इसलिए अपने को 3 स्टार नहीं मिले, बट लेवल 9 हमने कम्प्लीट कर लिया, काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ थी वो। मतलब उससे ना गन से क्या करना पड़ता है ना वैसे कि बस गन को लो, उसके बाद आसपास जितने भी लोग होंगे ना सब मर जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी गन है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ है, तो गन तो नहीं मिलेगी मुझे, अरे डिस्ट्रैक्ट करना है। हमने 2 को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, इसे करना है भाई, इन्होंने ना मुझे देख लिया है, इनका ध्यान उस तरफ चला गया और मैंने इनको निपटा दिया, 2 को निपटा दिया। भाई ये मुझे देख के भी क्यों नहीं पकड़ रहे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। तो अभी तो मैं सामने वाले को मार दूंगा, देखो यहाँ पे एक ही गन से कितने सारे काम हो जाएंगे। सब मर चुके हैं, बस अपने को लेवल कंप्लीट करना है, जो कि हो चुकी है अपनी, ये थी 10 वाली लेवल। हाँ 10 वाली लेवल भाई, बार बार यार 2 स्टार मिलते, उस बार 3 मिले थे, मतलब एक बार हमको 3 मिले, बाकी हर बार 2 ही 2 स्टार मिल रहे। और स्टार से कोई मतलब नहीं, हमें लेवल कंप्लीट करना है मेन, अगर नहीं मैप खुलेगा तो फिर हम इस गेम का एंड कर देंगे, पर जब तक तो खुल रही है आगे आगे की लेवल सब तक खेलते जाते हैं। ठीक है भाई आ जाओ, यहाँ पे ना सिक्योरिटी वाले काफ़ी डेंजर है, मतलब तीनों यहीं पे राउंड मार रहे हैं, अगर मैं आगे गया तो ये मुझे पकड़ लेंगे, काफ़ी सोच समझ के जाना पड़ेगा मुझे आगे। देखो काफ़ी सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे, पर सिक्योरिटी तो काफ़ी कम है, बट इनका जो राउंड मारने का एरिया है ना वो एक ही जगह बिल्कुल सेम। देखो थोड़ा सा भी पीछे हटता हूँ तो यहीं आ जाते हैं बार बार, या तो मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट से जाऊँ या फिर मैं राइट से जाऊँ, कहीं से भी जाऊँ ये मुझे पकड़ लेंगे अभी के लिए। चलो यहाँ पे ब्रीफ केस है और यहाँ पे वो मुझे गन मिल चुकी है जिससे मैं उड़ा सकता हूँ इनको। चलो तो ये लेवल भी अपनी हो चुकी है कम्प्लीट, ये लेवल गाइस थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी बट हम यहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ चुके हैं कम्प्लीट। 11 लेवल थोड़ी सी ज़्यादा टफ थी हाँ, क्योंकि बार बार वो सिक्योरिटी वाले वहीं पे राउंड मार रहे थे, हट ही नहीं रहे थे वहाँ से। तो ये बार ये 12 वाली लेवल की, ओके ये क्या एंट्री दिखा रहा है भाई, कोई बॉस था जो अपने सर पे हाथ रख के खड़ा था, शायद वो यही एजेंट 47 ही होगा। अभी तो मुझे कोई नहीं देख रहा है और अभी मुझे किसी को मारना भी नहीं है क्योंकि अभी अपने लपेटे में कोई आ ही नहीं रहा है।
आगे इससे शायद डोर ओपन होगा, ये वाला जो कि डोर यहाँ लगा है। हाँ डोर ओपन हो गया है, और आगे वो गन भी है जिससे मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो एक गन भी देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, बट मैं अभी आगे जाने का रिस्क नहीं लूँगा। यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, और सिक्योरिटी भाई काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे मतलब अपनी जो भी इनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी कर रही है। और इनको ड्यूटी के बीच में मरना पड़ेगा, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, तो ठीक है मैं इधर जाऊँगा। मतलब आगे क्या यार, मैं गलत ही बता देता हूँ गाइस, में लेफ्ट बोलना था आगे बोल दिया हमने। तो ये सिक्योरिटी वाला तो गया अभी, और ये लेवल अपनी हो चुकी है कम्प्लीट। ओ यार ब्रीफकेस कलेक्ट कर लेता तो 3 मिल जाते। चलो 12 लेवल कंप्लीट अभी वाली, 13 वाली की इसके बाद 2 लेवल और बचेंगी। ओके तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे गार्ड हैं, बहुत ही सारे गार्ड हैं यहाँ पे, बट मैं ऊपर जाके गन से उड़ा सकता हूँ। ठीक है ये काफ़ी सही सीन हो चुका है अभी, कि मैं गन से मार भी सकता हूँ। तो किसको मारा जाए, चल भाई तू ही सामने, तो ही नहीं पड़िया। अरे मैं आगे वाले को मारूंगा, ठीक है अभी लास्ट वाला। चलो तो मैंने यहाँ पे सबको मार दिया है, और अब अपना काम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से डन हो चुका है। मैं इनको आराम से मार सकता हूँ, देखो क्योंकि ये डार्ट चलेंगे नहीं। चलो तो हमने यहाँ पे सबको मार दिया है। ओ यार एक स्टार रह गया, बार बार सबको मारने का बोल रहा है ये, बार बार सबको मारने का बोल रहा है। मुझे पता है जब अपन सबको मार देंगे ना तो फिर अपने टर्न ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 2 स्टार से ज़्यादा इसमें है ही नहीं अपने को मिलने को। चलो अभी बारी है 14 वाली की, और इसके बाद लास्ट लेवल होगी, तो चलते हैं जल्दी से। ठीक है ब्रीफकेस मुझे वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे वो गन भी दिख रही है जिससे कि हम काफ़ी सारों को मार सकते हैं इस गन की मदद से। तो अगर ये गन मिल जाती तो काफ़ी सही हो जाएगा, बट मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मतलब राइट में नहीं जा सकता, आगे तो जा सकता हूँ मैं। ठीक है अभी राइट में भी जा सकता हूँ, और गन मिल चुकी है समझो, मुझे सब ख़त्म। अब गाइस मुझे ब्रीफकेस तो मिल सकता है, मैं ले भी लूँगा, बट सामने की तरफ एक सिक्योरिटी खड़ी है। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं पहुँच जाता हूँ इस पे तो मुझे टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे जाना पड़ेगा लेवल कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए मुझे यहाँ पे इस सिक्योरिटी वाले को मारना पड़ेगा। ठीक है गन है, गन से सबका काम तमाम हो जाएगा अभी। चलो भाई मारो। वो यार एक ही मरा भाई, काफ़ी गलत सीन है यार। वो तो वही वाली गन थी जिससे सब मर सकते थे, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों एक ही सिक्योरिटी वाला मरा। तो मुझे बाकी को अपने से ही ठोकना पड़ेगा, उसको ठोकर मार के हटाना पड़ेगा यहाँ से। चल हट, गेट ओपन हो चुका है अभी वो वाला, बट मुझे इस सिक्योरिटी को मारना है। इसके लिए मुझे ये जो यहाँ पे राउंड लगा रहा है सिक्योरिटी वाला, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो कि अब हट चुका है शायद, अब हट चुका है वो, बढ़िया अपना आगे जाएगा राउंड पे। और इतनी देर में ये जो खड़ा है सिक्योरिटी इसको मार दूंगा, ये गया। और इसी के साथ अपनी ये वाली लेवल भी हो जा रही है कम्प्लीट। यहाँ पे गाइस अपनी 14 लेवल भी कंप्लीट हो चुकी है, अभी बारी है लास्ट फाइनल 15 लेवल की, जो कि इसमें वही रेड, मतलब हर लेवल में ना एक ही रेड कपड़े वाला बॉस होता है और उसी को हमको मारना पड़ता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नया बॉस आएगा तो नए को मारेंगे, हर में एक ही बॉस है यही रेड कपड़े वाला, हर लेवल के लास्ट में। हर लेवल अलग हो जाती है। तो यहाँ पे पेड़ भी छुपने के लिए, जिसमें कि मैं छुप चुका हूँ, एक उड़ा चुका हूँ, दूसरे को उड़ा दिया मैंने। अब यहाँ से थोड़ा टफ होने वाला है मेरे लिए, जहाँ पे ब्रीफकेस भी रखा है, बट अगर मैं उसको लेने के लिए जाता हूँ ना तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेरे सामने आ जाएगी, तो मुझे छुपना पड़ेगा। यहाँ पे वही गन है जिससे कि मैं इसको उड़ा सकता हूँ सिक्योरिटी वाले को, और साथ दोनों को उड़ा सकता हूँ। दोनों को मारने वाली मुझे तो वो गन लग रही है, अब यूज़ तो करके देखना ही पड़ेगा कितने को मार पाएगी। चलो अभी मैंने ब्रीफकेस ले लिया है, और लास्ट टाइम इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि ये मेरी तरफ देख रहा था, मुझे पता था अभी जैसे मैं नहीं जा सकता हूँ ब्रीफकेस लेने। यहाँ पे भाई चाबी भी, जिससे कि मैं डोर खोल सकता हूँ मेन डोर। तो मैं सोच रहा हूँ चाबी लूँगा अगर, तो सिक्योरिटी आ जाएगी अपने पास, और जो कि आ चुकी है। बट हम यहाँ से टेलीपोर्ट भी तो हो सकते हैं। अब बिल्कुल सही सीन हो चुका है, मतलब वही मैं कब से सोच रहा था। तो वहाँ पे मैं ब्रीफ केस लेता तब तो गड़बड़ हो जाता, बट अभी मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर निकल चुका हूँ, तो सिक्योरिटी मेरे सामने थी एकदम,
तो अब मैं गन से मार सकता हूँ इनको। चलो यार, नहीं इस बार भी एक ही सिक्योरिटी वाला मरा। पता नहीं क्यों हर बार, पहले तो दो दो तीन तीन सिक्योरिटी वाले मर जाते थे, इस बार गन से एक ही मर रहा है। और अभी फाइनल को मारेंगे हम बॉस को, वहाँ पे एक गन है, उसी गन से शायद मैं उसको मार सकता हूँ। हाँ चल, तेरा काम फिनिश। तो यहाँ पे मुझे पूरे 3 स्टार मिल चुके हैं, जो कि फाइनल लेवल थी चैप्टर 3 की। अभी एरोप्लेन पे दबाते हैं, पहुँच जाते हैं चैप्टर 4 पे। तो ठीक है गाइज, हमारा चैप्टर 4 अनलॉक हो चुका है। बाकी आगे भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में खेलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे चैप्टर हैं। तो चैप्टर 4 के साथ साथ बाकी इतने जो चैप्टर हैं, तो चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में खेलेंगे। बाकी चैप्टर देखते हैं कि अपने अनलॉक होंगे या नहीं होंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो में मजा आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को जल्दी से आगे कर लो सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। कमेंट बताना आपके आपको सबसे ज़्यादा इजी कौन सी लेवल लगी और सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सी लेवल लगी। तो मैं मिलता हूँ किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।